हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मदनी यूसुफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज ऑन हाई डिमांड दाल पूरी। सो फाइनली हम लेके आ गए हैं आपके लिए। इट इज वेरी टेस्टी, क्रंची एंड इट इज वेरी इजी टू क्रिएट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू लेटेस्ट अपडेट आप तक पहले पहुंचे। या आपके राइट साइड में लाल कलर का बटन है, अब उसको ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पर मैंने चने की दाल को 5 से 6 घंटे पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला। यहाँ पर मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपको और तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हो इन चीज़ों की। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब ऑयल लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच हींग। हींग आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर है तो आप ज़रूर डालें। इसको थोड़ा सॉटे करेंगे, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। तो चलिए इसके बाद हम ऐड करेंगे हमने जो दाल चने की भिगो के रखी थी उसे हम डाल देंगे। कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ता, लहसुन और हरी मिर्ची, 1 भर काली मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, चाट मसाला 1 चम्मच। चाट मसाला नहीं है तो आप मैगी मसाला लें और 5 मिनट तक इन सबको सॉटे करके ठंडा होने के लिए रख दें। मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ, कसूरी मेथी हमने डाला है इसके अंदर, नमक स्वाद अनुसार, बहुत ही कम डालेंगे तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच करीब खाने वाला ऑयल, इससे काफ़ी क्रंची बनेगी हमारी पूरी। हमने डो तैयार कर लिया, अब हम इसको और भी चिकना कर लेंगे तेल से। हमने जो मसाला सॉटे किया था हम उसको पीस लेंगे छोटे ग्राइंडर में। ये हमारा मसाला पीस के रेडी हो गया, बारीक पीसना है आपको। अब हमारा जो डो था वो 2 मिनट के लिए हमने रेस्ट पर रखा था, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे साइज़ टू साइज़, तो हमें लोइयाँ मिल जाएंगी बराबर की। तो जिस तरह से आप कटिंग कर लें तो हमें इक्वल साइज़ की लोइयाँ मिल जाएगी। पहले मैं आपको बताऊँगी कि आप चपाती भी बना सकते हो, और जिस तरह हम आलू पराठे को तवे पर सेकते हैं आप उसी तरह से इसको सेक कर बना सकते हो। पहले मैं आपको 2 चपाती बना के बताऊँगी, फिर मैं आपको पूरी भी बना के बताऊँगी। तो आपको कुछ इस तरह से गोल करना है चपाती की तरह ही पतला पतला। इस पर हम डालेंगे मसाला, मसाला आपको हो सके जितना बारीक पीसना है। अब हम इसको कर देंगे बंद। फिर हम ड्राई आटे में इसको थोड़ा डीप करेंगे और कुछ इस तरह से इसको बेल लेंगे। देखिए मसाला बाहर निकल रहा है, चपाती में निकले तो हमें चलेगा, पूरी में नहीं निकलना चाहिए इतना। मैं यहाँ पे आपको और बताऊंगी, जिस तरह वीडियो में बता रहे हैं आपको वैसे ही करना है। और आप इसे बटर, घी, ऑयल किसी के साथ भी तवे के ऊपर सेक सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया लगती हैं चपाती में भी। तो देखा कितना आसान है, अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब हम आपको बताएंगे पूरी बनाना। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है बट थोड़ा अलग है, हम उसे चपाती को थोड़ा बेल लेते हैं, इसको हमें मोटा रखना है। तो सेम मैंने यहाँ पे लोई लेके इसको चपाती की तरह बना ली हूँ। यहाँ पर हम बीच के अंदर डालेंगे हमारा मसाला, सेम तरीके से हम इसको बंद करेंगे। उसको हाथों की मदद से थोड़ा बेल लेंगे, मोटा ही रखना है इसको, थिक रखना है ताकि जो अंदर की स्टफिंग है वो बाहर ना आए। उसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है, देखिए फ्रेंड्स ज़्यादा बाहर नहीं आना चाहिए।
मैं आपको एक और बना के बताऊंगी। अगर आप फ्राई कर रहे हो तो ये मसाला बाहर नहीं आना चाहिए ज़्यादा, हल्का सा दिखे तो चलेगा, वरना क्या है तेल के अंदर हम जैसे इसको फ्राई करने के लिए डालेंगे ये फट जाएंगी गाइस, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हो सके तो इसको नहीं फटने दें, बट थोड़ा सा फट जाए तो कोई बात नहीं, बट इसका ध्यान रखें अगर आप फ्राई कर रहे हो तो। तो चलिए हमने यहाँ पे ये भी तैयार कर लिया, अब इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया फूल के निकल रही है ये, तो बनने के बाद काफ़ी मज़ेदार और क्रंची रहेंगी और टेस्ट भी इसका लाजवाब रहेगा। ये रेडी हो गई है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसे आप कोई भी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।